गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ATS इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकर जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस सेशन नहीं देखना तो जाकर देख लेना, जरूरी बनता है वो देखना। वो अगर डायरेक्ट यहाँ से देखोगे तो कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली एक मेरी वीडियो पढ़ी है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, इसी नेम से है, आप सर्च करोगे मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको टेंजेंट के बारे में समझाया था, ठीक है, और जो टेंजेंट के थ्योरम थे कुछ वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो समझेंगे, ठीक है। तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगी तभी आप ये समझ पाओगे, डायरेक्ट ये समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके बाद मैं आपको पहले सर्किल के ना क्वेश्चंस करा दूंगी, है ना। काफी हमने थ्योरम पढ़ लिए हैं सर्किल के, तो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो कुछ प्रूफ थ्योरम है, प्रूफ थ्योरम मतलब जिस पर फिक्स पैटर्न पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम जो है करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर उसके बाद जो है सर्किल पर दोबारा वापस आएंगे, देन फिर हम अपना अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। पहले जान लो इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स। तो ये है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर ग्रुप, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ठीक है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, और इसमें अगर आप ATS से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तब आप इसमें पूछ सकते हो। यह है मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। ढेर सारी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं बने वो इस ग्रुप में जो है पेस्ट कर दो अपना, और विद इन 24 आवर्स में आपको जो है, बल्कि मैक्सिमम 24 आवर्स में आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसमें मैं क्विज भी कराती हूँ, PDF भी यहीं अपलोड होती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है, आप ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार क्विक रिविजन करा देती हूँ टेंजेंट के बारे में। देखो भाई, यह है सर्कल, एक सर्कल से सेंटर और बना देती हूँ मैं सर्कल कर को तरह, ठीक है। इस सेंटर से मैंने ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो कि जो है एक टेंजेंट को टच करते हुए जाता है एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो है आपका मान लो ओ है और ये आपका ए है, ठीक है। तो ओ ए जो है ना वो आपका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, ठीक है। और जो पी क्यू है वो आपकी टेंजेंट है, जो कि सर्किल को पॉइंट ए पर टच करती है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नली जो है सर्किल को टच करती है, वो भी एक ही पॉइंट पर, ठीक है। एक टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, है ना। ये सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाओगे तो क्या बनेगी, रेडियस बनेगी, ठीक है। तो ये जो है आपकी रेडियस की ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। बट ऐसा क्यों, परपेंडिकुलर ही क्यों होती है, ये बात भी समझ लो। देखो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉइंट है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। वैसे तो देखो डिस्टेंस बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। देखो ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूंगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा तो आप कहोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। और ऑलवेज जो आपका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान रखना कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर रहता है, ये चीज समझ गए। इसी वजह से देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करा दूँ, इसको ज्वाइन करा दूँ, इसे बट अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए तो वो आर ही होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि मैंने जो है ओ को क्यू से जो है मिला दिया, ठीक है। तो ओ से इस पॉइंट तक जो है आपका आर रहेगा, उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक जो है, मान लो ये मैं पॉइंट पी बोला है, तो पी से क्यू तक मैंने ए लेट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका आर प्लस ए है, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो है इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मान लो ये S है, तो ये तो आपका R है, और S से मान लो T तक का मैंने डिस्टेंस जो है B लेट कर लिया है, तो R प्लस B है। इसी तरह से जो है आप देख सकते हो, इसे यहां भी अगर मैं बना रही हूं तो तब भी इतना सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा बैठ जाएगा, यहां बनाऊंगी तब भी जरा सा तो डिस्टेंस रह ही जाएगा। तो इट मीन्स जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बस वो होगा जिसमें ओनली R आ रही होगी, ठीक है, जिसमें खाली R ही होगा, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
वो आप हमेशा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। इसलिए जो आपकी रेडियस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। आई होप ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो वीडियो पीछे करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैंने काफी बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है। तो समझ गए ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में जो है इसमें का क्वेश्चन आ जाएगा, बट देखो ये चीज है ना, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा अल्टीमेट रहती है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेंजेंट से रिलेटेड और बातें। उससे पहले गाइज वीडियो को प्लीज आप शेयर कर देना, ठीक है। ठीक है, देखो भाई एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ये जो सर्किल है और इससे अगर मैं एक टेंजेंट, तो मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये दोनों टेंजेंट जो है ना आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये जो है आपका पी है, ठीक है। तो इसमें ए पी बराबर होती है किसके, बी पी के, ठीक है। ए पी बी पी के बराबर होती है। कैसे होती है बराबर, ये समझिए। देखो ये मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, बस यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ, ठीक है, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। देखो अभी बताया था टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन करा दूं तो आप देख सकते हो ये भी आर है, ये भी आर है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे, ये लाइन आपकी कॉमन है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये आपके ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो आर एच एस की प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। और आपका ये जो ओपी है ये आपका कॉमन है, तो जाहिर सी बात है जब सब चीजें इक्वल हैं तो बाकी की चीजें भी आपकी, मतलब जब ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो बाकी की चीजें अपने आप आपकी सेम हो जाएंगी। तो इट मीन्स आपका जो एपी है वो बीपी के बराबर हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके थ्योरम होंगे, ठीक है, तभी मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देती हूँ, मतलब एक थ्योरम है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है तो आपको ध्यान भी रहेगा। ये ले लेती हूँ और इसके अंदर हम बनाते हैं एक सर्किल, बिल्कुल बढ़िया पर सर्कल बना है, ठीक है। अब देखो अब आपसे इसमें ये कहा जाएगा, अरे यार इससे अच्छा मैं खुद ही बना लूं, इससे अच्छा मैं खुद ही बना लेती हूँ। देखो भाई ये है एक सर्कल और यहां मैं जो हूं इसे एक साइक्लिक सर्कल में बना देती हूँ, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहां पर बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे सेंटर है आपका ये, सेंटर जो है आपका क्या है, ओ है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसे ज्वाइन करा देती हूं, इसे ज्वाइन, ये होगा ज्वाइन और आपका ये ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर ये एंगल आपका एक्स है और ये एंगल आपका वाई है, तो आपका एक्स प्लस वाई जो है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई जो है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है ये समझ लो। अब यहां से मैं रेडियस बनाती हूँ, ठीक है। एक रेडियस ये आ गई जो कि परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, ये भी एक रेडियस है जो भी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, अगेन ये भी एक रेडियस होगी और ये भी एक रेडियस होगी, ठीक है। अब मैं इन जो एंगल्स हैं इनको कुछ नेम दे देती हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका वन है, ये एंगल टू है, ये थ्री है, ये आपका फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स आ जाएगा, ये सेवन आ जाएगा और ये आपका एट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वन बाय वन ट्राइंगल में देखना है, अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ ए बी सी
डी, ठीक है, ये है आपका ई एफ जी एंड एच, ठीक है। मैंने आप नेम दे दी है पॉइंट्स को। अब आप जो हो, अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखो, पहले इन दोनों का ट्रायंगल में देखोगे और यहां पर आप लगा दो कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी यहां पर लगाओगे तो देखो ये ओ है पॉइंट, तो ओ ए तो यहां पर आपका कॉमन आ जाएगा, 90 डिग्री के आपके एंगल्स आ जाएंगे, और ओ एच एंड ओ ई आपकी रेडियस है, तो साइड एंगल साइड से आपकी ये जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ये हो जाएंगे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो है एंगल वन इक्वल होगा किसके, एंगल एट के, ठीक है। इसी तरह से अब आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो तो ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगी जिस तरह से ये कॉन्ग्रेंट हुए हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल टू बराबर होगा एंगल थ्री के। इसी तरह से अगर आप ये दोनों ट्राइंगल देखोगे, ठीक है, तो ये भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहाँ पर एंगल फोर बराबर हो जाएगा एंगल फाइव के। और इसी तरह से अगर आप जो है ये दोनों ट्राइंगल देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी एंगल सिक्स बराबर हो जाएगा एंगल सेवन के, ठीक है। यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे किससे, कॉन्ग्रेंसी के थ्रू। देन आप देखोगे कि अगर मैं इन सभी एंगल्स को ऐड कर लूँ, मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, अगर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, तो इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि जो आपका सर्किल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब एंगल वन के बराबर एंगल एट है, एंगल टू के बराबर एंगल थ्री है, तो मैं यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट इजिली कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एंगल वन है तो एंगल वन की जगह पर मैं एंगल एट लिख सकती हूँ, या फिर एंगल एट की जगह मैं एंगल वन लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल वन प्लस एंगल वन, नो इशू, ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर आप वाई वाले में देखोगे तो एंगल फाइव और सिक्स है, लेकिन जो एंगल फाइव है वो आपका जो एंगल फोर है वो फाइव के इक्वल है, ठीक है। तो मैं फाइव को दो बार लिख सकती हूँ, एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव। इसी तरह से जो आपका सिक्स है, ठीक है, इसको मैं दो बार लिख सकती हूँ क्योंकि सिक्स और सेवन आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे, आपका जो टू है इसको मैं टू टाइम्स लिख सकती हूँ क्योंकि टू और आपके जो है थ्री बराबर हो जाएंगे, और ये कितने के इक्वल होंगे, 360 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ले लेती हूँ तो आपका एंगल वन प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल टू बराबर हो जाएगा 360। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू, ठीक है, मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल सिक्स एंड एंगल आपका फाइव, ठीक है, एंगल सिक्स और एंगल फाइव मिलकर क्या बना रहे हैं, वही वाई बना रहे हैं, और एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पर जो है जो बहुत ज्यादा बेसिक एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है ना सर्किल की, किसके जो एंगल्स हैं उनका सम कितना रहेगा सभी का, वो रहता है 360 डिग्री, ठीक है। तो बस वही मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो की और कुछ भी नहीं किया है, सिंपल यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी एंड जैसे सर्किल बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो की, और आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, मतलब जो ये अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम कितना रहता है, 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर अब एक कन्फ्यूजन ये भी हो जाएगा स्टूडेंट को कि मैम ये वर्टिकल अपोजिट भी तो हो सकते हैं ना, है ना, ये इक्वल और ये भी इक्वल होंगे। नहीं, पहली बात है ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है, वर्टिकल अपोजिट होने की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होती है। पहली बात, ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। दूसरी बात ये है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है, बल्कि ये मतलब ट्रांसवर्सल भी नहीं है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, मान के चलो ऐसे है, ठीक है, इस तरह से, तब ये जाके जो है आपका 180 डिग्री जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है लाइन ये, तभी आपका ये क्या क्या नहीं है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट मत कर देना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी, आप नोट कर सकते हो। देन मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरम, चलो। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ लो, एक चीज और रह गई है बताना, वो भी समझ लो, रह जाएगी वो, ये है देखो, ये तो आपकी इक्वल ही है, जैसे कि ए और आपका एच बराबर है ना, AE और आपका AH बराबर है, ठीक है। इसी तरह से BE और BF बराबर है, इसी तरह से GD बराबर होगी किसके, DH के, और जो आपकी GC है वो बराबर हो जाएगी FC के, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है ना, यह सब आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
ये इसके इक्वल है और ये आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। अब देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी, ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डी सी, बराबर हो जाएगी। अगर मैं ए एच और डी एच को ऐड कर दूं, ठीक है, ए एच और डी एच को, तो मेरा ए डी हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस इसी तरह से बी एफ और एफ सी को अगर ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, बी सी, ठीक है। तो ये जो अपोजिट साइड्स होती है ना, इनका सम भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब ए बी प्लस डी सी बराबर होगा आपके बी सी प्लस ए डी के, ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर लो। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखो, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, देखो जब भी दो सर्किल गिवेन हो, पहले एक सर्किल की बात करते हैं, एक सर्किल से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो जितने इसके पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर आपके टू जो है सर्किल यहाँ पर गिवेन हो, जैसे कि ये है, यहाँ पर रेडियस से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसकी कोई रेडियस हो, इसकी कुछ और रेडियस हो, तो रेडियस से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर सिंपली जो है टू सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जब टू सर्किल जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, देखो यहाँ पर एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको यही नहीं पता है कि आप जो हो जब दो सर्किल टच नहीं होते हैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में, ठीक है, और डायग्राम बनाने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें होती हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप एक टेंजेंट तो ये जाएगी आपकी, ठीक है, वन, एक टेंजेंट हो जाएगी ये, टू, ठीक है, टू बस, और एक हो जाएगी आपकी थ्री, और एक हो जाएगी आपकी फोर, ठीक है। जब आपके सर्किल कैसे टच कैसे हो, जब आपस में टच नहीं हो रहे हो वो, ठीक है, जब सर्किल्स आपस में टच नहीं हो रहे हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में ध्यान रखना है कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, फोर, जिसमें से दो तो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी, और ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो टेंजेंट है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स का मतलब ही क्रॉस वे होता है, ठीक है, क्रॉस करना, या फिर ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्रॉस करना, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, और आपकी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्किल के लिए कॉमन हो, ठीक है। देखो ये अगर आप देखो, ये इसे पॉइंट ए पे टच कर रही है, तो इसे पॉइंट बी पे टच कर रही है, ये पॉइंट सी हो जाएगा, तो ये पॉइंट इसका डी हो जाएगा, इसी तरह से यह इसका ई है, तो यहां पर इसका ये एफ है, ठीक है, ये जो है पी है, तो ये इसका क्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये जो ये वाली जो टेंजेंट है ई एफ, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली भी कॉमन हो जाएगी, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तभी इनको कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये दोनों सर्किल के लिए कॉमन होती है, ठीक है, ये दो जब सर्किल्स होते हैं तभी ये जो है इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब दो सर्किल जो है टच नहीं कर रहे हो, तब तो ये कितनी बनती है, फोर बनती है, अगर टच कर लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, पहले सर्किल दूर थे, अब हम इन्हें क्लोज ले आते हैं, एक सर्किल ये आ जाता है और एक सर्किल ये आ जाता है। इस केस में जो है आप देखोगे कितनी टेंजेंट फॉर्म होंगी, एक तो आपकी टेंजेंट ये हो जाएगी और एक टेंजेंट आपकी ये हो जाएगी, दो, और एक जो है ये हो जाएगी, ठीक है, तीन, P, A, B, C and D, ठीक है। तो जब टू सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, जब टू सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, थ्री टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है, थ्री टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ रहेंगी। इसी तरह से अभी बाहर की तरफ थे, अब एक्सटर्नली थोड़ा टच हुए हैं, अब ये थोड़ा क्या हो जाएंगे, थोड़ा और क्लोज्ड आ जाएंगे, मतलब इंटरनली जब ये टच करेंगे तब क्या होगा,
जब ये इंटरनली टच करेंगे, इससे मतलब नहीं है सेंटर से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी अगर इंटरनली टच करेंगे तो आप सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि एक तो ये आ जाएगी टेंजेंट आपकी और एक टेंजेंट आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। यहां से नहीं होगी टच, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगी टेंजेंट, इसकी सर्कमफेरेंस को टच करती भी जाना चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, टू टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों थोड़े से क्लोज्ड आ चुके हैं, लेकिन अब एक दूसरे के अंदर ही समा जाए तो क्या होगा, अगर एक दूसरे के अंदर समा जाएंगे तो भाई होगा क्या, तो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट रहेगी, ठीक है, दोनों एक ही कॉमन टेंजेंट शेयर करेंगे। सही से बना देती हूँ मैं, टच करती भी एकदम ये रही बढ़िया सी, पॉइंट ए पर, ठीक है, पॉइंट ए पर ये जो है दोनों टच करेंगे और एक ही जो है यहाँ पर टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होगी, ठीक है। देखो दूसरी तो कर नहीं सकते ना, दूसरी इसके इंटरनल टच करेगी, इसकी सर्कमफेरेंस में तो कर नहीं रहेगी, ठीक है, तो इस वजह से कहाँ टच होगी, ये आपके एक ही पॉइंट पे टच होगी। तो ध्यान रखना, जब टच नहीं करते हैं सर्किल तो आप फोर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जब टच करते हैं तब आप थ्री कर सकते हो, जब जो है इंटरनली टच करेंगे तो दो करोगे, और जब एक दूसरे के अंदर ही समा जाएंगे सर्किल तो कितनी होगी, एक ही टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होगी, ठीक है। बातें जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा तो, ठीक है। अब देखो इनके फॉर्मूलाज भी है, किस तरह से इनका फाइंड आउट करते हो फॉर्मूला, देखो इसका जो है ना, अगर मैं सेंटर की बात करूं इसके, और एक इसका सेंटर, ठीक है, तो यहां से जो है ना आपका सेंटर से जो है डिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो ये मान लो आपका आर वन है और ये आपका आर टू है, तो R1 से R2 का मैं एक डिस्टेंस नेम दे देती हूँ D, ठीक है। तो यहां से जब आप D फाइंड आउट करोगे, तो D जब आप फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस, तो इसमें जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, या फिर जो लेंथ है, लेंथ भी आपसे टेंजेंट की सी पूछी जाती है कि A से B की लेंथ बताओ, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, अगर ये लेंथ है तो L इज इक्वल टू आपका रहता है रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इस केस में तो ये रहेगा ये। लेकिन अगर बात करेंगे इसकी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें सिंपली बस आपका डी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, माइनस भी रहेगा और साथ में आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, और इस केस में कितना रहेगा, इस केस में डिस्टेंस जो है जीरो रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है इस केस में, इस केस में जो है डिस्टेंस आपका जीरो रहता है, ठीक है। कैसे रहता है ये सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ समझाती हूँ, तब ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है, विद प्रूफ समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जब हमें आर वन से आर टू के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है, तो तब उस केस में आपको क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा है इसका, अगर आपको आर वन और आर टू चाहिए, ठीक है, आर वन से आर टू का अगर डिस्टेंस चाहिए आपको, मान लो ये आपका जो है O है और ये आपका O डैश है, ठीक है, तो O से O डैश का जो आपका डिस्टेंस होगा वो डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कैसे, बहुत सिंपल से इसका प्रूफ है, यही समझ लो अच्छे से, देखो यहां मैंने जो है इसको इसे मिला देती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये आ जाएगा आपका, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये आर वन और ये आपकी आर टू रहेगी, ठीक है। अब जो है सिंपल क्या करना है आपको, ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग नहीं रहा है, चलो मैं यहां से जो है ड्रॉ कर देती हूँ, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ये जो है इस R1 की लेंथ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये जो है ऊपर वाली तो लेंथ आपकी R2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके सेंटर्स अगर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जितनी ये आपकी R2 है उतनी यहाँ से यहाँ तक आपकी R2 हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट आपका एस है, तो एस से ओ तक का जो आपका डिस्टेंस बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर वन तो पूरी है, उसमें से आर टू आप माइनस कर दो सिंपल, ठीक है, R1 आपकी पूरी है, उसमें से R2 सिंपली माइनस कर दो, बस आप कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस A से B तक जो है L है, ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो जाहिर सी बात है O से S तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना रहेगा, L होगा, ठीक है।
ये एल है, ये एल है, ये आपका आर आर टू है, ये भी आपका कितना है आर टू है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो क्या मिलेगी एल की वैल्यू, तो यहाँ से एल की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो डी स्क्वायर तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो एल का स्क्वायर है इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओ से ओ डैश का स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, पूरा मैं लगाकर दिखा देती हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओ से ओ डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आप करोगे इज इक्वल्स टू आपका आर वन और आर टू है, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, और इसमें ऐड क्या करना है आपको ये एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से एल स्क्वायर चाहिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये तो मैं यही रखूंगी। ठीक है, ओ और ओ डैश को मैंने यहाँ पर अगर डी लाइट कर लेती हूँ तो डी का स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, सिंपल सा। और एल जो है किसके बराबर आपका ओ से ओ डैश के बराबर। ठीक है, समझ गया ना, इजी था ना प्रूफ, कुछ भी नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम लगाना था और कुछ भी नहीं था, इसमें सिंपल सा था ये, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ये एल हो जाएगा ये भी एल हो जाएगा, तो आपका ओ एस और ये जो ओ डैश ट्राइंगल है इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बस जो आपको जो है ये प्रूफ इजली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ओ से ओ डैश का कितना डिस्टेंस हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, कैसा आया मैंने आपको बता दिया है पाइथागोरस थ्योरम से लगाया है। देखो हो सकता है एग्जाम में जाते जाते तक आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, जब मॉक टेस्ट लगाओ तब भी हो सकता है ये भूल सकते हो, तो आपको प्रूफ पता होगा ना, तो अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर प्रूफ पता है तो आप उसके थ्रू भी अपना फॉर्मूला वहीं पर जो है खुद जो है उसे रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर रही हूँ मतलब उसको आप खुद जो है याद कर सकते हो, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर भूल भी जाते हो तो याद आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तभी जो है हर चीज़ को जो है बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको फॉर्मूलाज लर्न रहे। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कौन सी चीज़ किस तरह से प्रूफ हुई है, तब आप जो हो एग्जाम में खुद से भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप हमेशा फॉर्मूलाज के मोहताज नहीं रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, ये है आपका जिसमें आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर कितना हो जाएगा इसमें डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर। पहले वाले में आर वन माइनस आर टू था, इसमें आर वन प्लस आर टू है, क्यों है देखो सिंपल सा है ये, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ। देखो अगर मैं ये जो मान लो सेंटर है आपका ओ और ये है आपका ओ डैश, ठीक है, तो ओ ये जो आपकी रेडियस है अगर मैं इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये भी आपकी R1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको मैं जो हूँ इससे कनेक्ट करा देती हूँ, ठीक है, इससे को मैंने इसको कनेक्ट करा दिया है, और साथ साथ आपको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पहली बार पता है ये जो R है R1, तो ये आपका A पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या रहती है परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, ये इधर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये भी इधर परपेंडिकुलर है, तो ये भी सर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से एक पैलोग्राम हो जाएगा। इसको नेम दे देती हूँ मैं क्यू, ओ क्यू बी एंड ओ डैश आपका क्या हो जाएगा पैलोग्राम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखो ये वाली लाइन रब कर देती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो ये एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ए एंड बी, ए ओ बी ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। O से O डैश तक का डिस्टेंस, O से O डैश तक का डिस्टेंस जो है D है, तो पैरेलोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है दूसरे को और इक्वल होंगी, ठीक है, अपोजिट साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आपका D था तो ये भी आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके आर वन प्लस आर टू, देखो ये आर टू है तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी आर टू हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने इतना ही एक्सटेंड किया है जितना कि आपकी ये R2 थी, ठीक है, इतना ही एक्सटेंड किया है जितना कि ये R2 थी, तो लाइन थोड़ा सा मैं अंदर से ले जाती हूँ जिससे कि ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कराया है, अरे यार बजिया, ठीक है, और उतना ही ज्वाइन कराया है जितना कि ये जो है R2 है, ये R2 है तो ये भी आपकी कितनी रहेगी R2 रहेगी। ठीक है, R1 प्लस R2 हो जाएगी आपकी R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आपको क्या रहेगा, ये आपका A है और ये पॉइंट क्या था आपका B, ए बी स्क्वायर। यहाँ से जब आप ए बी फाइंड आउट करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आ गया ना। सिंपल सा था ये प्रूफ, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें सिंपल जो है आपकी आर वन थी, आर वन को आपने कितना एक्सटेंड किया, उतना ही एक्सटेंड किया जितनी आपकी आर टू थी, इसको कनेक्ट किया। तो ये यहाँ से आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट और जो आपका रेडियस होती है वो कितना बनाती है डिस्टेंस, और कितना आपका जो है एंगल रहता है 90 डिग्री का एंगल रहता है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट के। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करता, ए यहाँ पर लिख दो बी, और ये मान लो पॉइंट आया आपका सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो सिंपल जो है आपका ये अगर डी डिस्टेंस था, ठीक है, जो मैंने लेट किया था ओ से ओ डैश का डी, तो ये भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का पैलोग्राम होगा ये। ठीक है, ये डी, तो डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू स्क्वायर के, साथ ही साथ आपका ए बी स्क्वायर के। तो ए बी की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये तो इजी सा था, सिंपल सा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। देखो यहां से ना एक प्रूफ और है, वो देख लो। अगर इस लाइन को मैं जो हूं मिला देती हूँ, ठीक है, तो ये जो ग्रीन है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, कैसे है? देखो भाई, ये तो हो जाएंगे आपके वर्टिकल अपोजिट, ये 90 और ये भी आपका 90, टू एंगल्स इक्वल, तो साइड एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अब ये सिमिलर हो ही गए हैं, ठीक है, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बराबर होगा। तो यहां से अगर आप सिमिलैरिटी लगाओगे, इस पॉइंट को मैं नियम दे देती हूँ पी, ठीक है, तो ए पी बराबर हो जाएगी किसके, बी पी के, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने है ओ पी, और इधर 90 डिग्री के सामने कितना है ओ डैश पी, और ये बराबर हो जाएगी किसके, आपके वर्टिकल अपोजिट के सामने हो जाएगा आर वन, एंड देन इसके सामने हो जाएगा आर टू। तो मेन जो है आपका ये रहता है ए पी बाय बी पी इज इक्वल्स टू आर वन बाय आर टू, मतलब इसका जो रेशियो होता है ए पी और बी पी का, वही रेशियो होता है जो आपकी रेडियस का रेशियो होता है। ठीक है, तो ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी बाय बी पी आपके सेम उसी रेशियो में होंगे जिसमें आर वन और आर टू होता है। तो कभी आपसे अगर जो है मान लीजिए जरूरी नहीं है इतना बड़ा सा क्वेश्चन आए, डायरेक्टली आपसे रेशियो पर भी क्वेश्चन बेस्ड पूछ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो उसकी ट्रांसवर्सल है उसका जो रेशियो होता है वो वही होता है जो कि किसका होता है, उसकी रेडियस का होता है। ठीक है, तो इनकी जो रेडियस का होगा वही इनकी ट्रांसवर्सल का रेशियो रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन देखो, अब इसमें क्या है, देखो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका आर वन है, ये आपका आर टू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जो है ये गिवन है, ठीक है, मान लो ये पी है और ये आपका क्यू है, तो यहां से अगर आप डिस्टेंस देखो तो दोनों जो है आपके एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, तो ठीक है, ये भी आर वन होगा और ये भी आपका आर टू होगा। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, है ना, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़कर आए हैं उसमें क्या था, डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, ये था ना, ठीक है, यही था। अब जो है आप इस फॉर्मूले में अगर डी की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले जब आप डी की वैल्यू पुट करोगे, आपको पी क्यू की अगर लेंथ चाहिए तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे R1 वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका रूट टू रूट आर वन आर टू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। ठीक है, टू रूट आर वन आर टू इसका जो है ये रहेगा, डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट करो और आपको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगी चीजें। ठीक है, इसका प्रूफ करने की नीड नहीं है, सिंपली आप देख सकते हो R1 और R2 आपके जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, डिस्टेंस आपका डी आ जाएगा, ये फॉर्मूला है ही, बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से एक आपका था ये सा वाला जो एक दूसरे के अंदर एकदम समाये हुए थे, मतलब ये इंटरनली टच कर रहे थे। ठीक है, इंटरनली टच कर रहे थे पॉइंट ए पर, एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहे थे। तो इस केस में यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपकी रेडियस है, ये इसकी आर वन है, और यहाँ से यहाँ तक जैसे आर टू है, ये माइनस हो जाएगी आर वन में से आर टू, तब जाके आपका ये डिस्टेंस रहेगा। इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो आर वन माइनस आर टू रहेगा। ठीक है, और जब आप ये वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, अब जब आप डिस्टेंस की ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देख सकते हो आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर ये क्या बनेगा। ठीक है, पेन चेंज करके दोबारा बताती हूँ मैं, तब ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आपको आएगी। देखो, एक सर्किल ये था और एक सर्किल इसको टच कर रहा था,
कलर चेंज कर लेती हूँ मैं सर्किल का, एक सर्किल ये था और इसी को एक सर्किल इंटरनली टच कर रहा था एक ही पॉइंट पर, ठीक है। मान लो इसका डिस्टेंस है R2 और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है R1, तो अगर मुझे O से O डैश तक का डिस्टेंस चाहिए तो कितना हो जाएगा, पूरे में से R2 माइनस कर दूं निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जीरो, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहता है, जीरो। आई होप ये चीज आपको सारी क्लियर होंगी। नाउ मूव टू दी लास्ट वन, तो ये आपका आज का लास्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये टू सर्कल्स हैं, तो ज्यादा ही बड़े हो गए। ये एक दूसरे को इंटरनल एक्सटर्नली टच करते हैं, ये इनकी कॉमन ट्रांसवर्सल आ जाएगी या फिर कॉमन जो है या फिर टेंजेंट आ जाएगी, एक ही इनकी टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में देखो ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर है, और अगर मैं इनको मिला देती हूँ तो ये आपका R1, ये हो जाएगा R2, और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर पेन चेंज करके यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यह है आपका P, यह है आपका Q, यह है O डैश, यह है O डैश, खाली O ले लो, ये R1 और ये आपका R2, ठीक है। तो देखो क्यों होता है 90 डिग्री, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, इसमें आप ज्यादा जो है आपको माइंड लगाने की नीड नहीं है, बस ध्यान रखो किसे, आइसोसेलिस ट्राइंगल को। आइसोसेलिस ट्राइंगल में आपको क्या बताया था, देखो ये है इसकी टेंजेंट, ये आप मान लो पॉइंट S है, पी एस और आपका S, मान लो ये है आपका T, एस टी बराबर होंगे, पी एस और एस टी बराबर हो जाएंगे, इसी तरह से एस क्यू और आपका क्या बराबर हो जाएगा, एस टी बराबर हो जाएगा, मतलब पी एस बराबर एस टी बराबर एस क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपका जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, क्योंकि एस यहाँ पर एज अ मिड पॉइंट का काम करेगा, मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कहाँ करेगा ऐसा काम, ऐसा काम करता है आइसोसेलिस ट्राइंगल में, इसी वजह से ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पर यह भी कह सकती हूँ जो आपका एस टी है वो जो है पी क्यू का हाफ है, ये चीज भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है ये कितने डिग्री का होता है, ये आपका 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज तो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई भी इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, क्लियर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बस आपका एक ही प्रूफ बचा है, ठीक है, वो हम और फिनिश कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अल्टीमेट क्वेश्चन कराऊंगी सर्कल से, क्योंकि सर्कल के जो मैंने आपसे पहले भी कहा था जो थ्योरम है ना वो तो बहुत सिंपल, उनके प्रूफ भी बहुत ज्यादा सिंपल है, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगनी है जिसमें आपको ज्यादा माइंड अपना यूज करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल थ्योरम है इसके, ठीक है। लेकिन जो है बात, बस इसमें दिक्कत यह आ जाती है क्योंकि सर्कल है, इसमें जब लाइन्स आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ आप आर्क वाला थ्योरम, कहाँ आप लाइन ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाओगे, कहाँ आपको जो है डायरेक्ट टेंजेंट दिखेगी, कहाँ जो है ट्रांसवर्सल दिखेगी, देखना मुश्किल हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो है प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो ये चीज जो आती है वो प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगी जिससे कि आपको देखना आ जाए, क्वेश्चन जो है इसके करने आ जाए, ठीक है। तो आज का लास्ट थ्योरम हम इसका और देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये है, इसमें जो है मान लो ये आपका ए बी है, ये है आपका ओ, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ, ठीक है, क्यू पी एंड क्यू, ठीक है। तो आपका ये जो ट्राइंगल है ना पी ओ एंड क्यू, ठीक है, ये हमेशा कितने डिग्री का रहेगा, ये आपका 90 डिग्री का रहेगा। क्यों रहेगा, देखो सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ से एक और रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, तो टेंजेंट में परपेंडिकुलर, ये भी टेंजेंट में परपेंडिकुलर, ये भी जो आपका परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आपकी आर है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखो, आप इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल में ओ क्यू तो कॉमन है 90 डिग्री, ठीक है, ऊपर से आर और आर, तो मैं कह सकती हूँ साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होते के साथ ही मैंने कहा ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा,
ये भी थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करती हूँ, इन दोनों ट्राइंगल की, इसी तरह से ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये अल्फा है, तो ये भी जो है कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो आप देखो ए बी, ए बी क्या है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी जब डायमीटर है तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। सेमी सर्किल है तो जाहिर सी बात है टू थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 180 डिग्री होगी। ठीक है, अरे यार अपने आप क्यों लिख रहा हो भाई साहब, टू थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री फॉर्म करता है। इसी वजह से थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी प्रूफ है आप देख सकते हो, तभी आपका थीटा और अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, सिंपल सा था ये और इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो गाइस आज हमने जो है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड जो है थ्योरम समझे हैं, उसको विद प्रूफ के साथ समझा है। नेक्स्ट क्लास में मैं सर्कल से रिलेटेड आपको अल्टीमेट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। मान के चलिए जो मेन्स लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे, जिससे कि आपको देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो ना तो इजी आप अपने आप बना ही लोगे। तो मैं इजी तो क्वेश्चन नहीं लाऊंगी, एक आध इजी रखेंगे जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। देन उसके बाद हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके माइंड एकदम ना खुल जाए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वरना नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।